कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, कूत तो कपूत हो सकते हैं, लेकिन इसका उलट रामपुर में एक माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को 36 फीट की ऊंचाई से फेंक दिया, लेकिन जिसे रब रखे उसे कौन चखे। हाँ माँ, तुम कहाँ हो? माँ ये कौन सी दुनिया है जहाँ मुझे लवालिस और दूसरे गालिश नामों से पुकारा जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन माँ कड़कड़ाती ठंड में मेरे हाथ पैर दिल सब कुछ जाम और एक रहे हैं, मेरा खून जम रहा है। माँ मुझ से इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही। माँ मेरे सिर में काफी चोट लगी है जिसका दर्द तो मुझे बर्दाश्त है, लेकिन तेरे जाने का गम इस तकलीफ से बड़ा है। माँ तुम कहाँ चली गई? मुझे इस तरफ लवालिस छोड़ के मुझे जब पैदा होते ही मौत के घाट उतारना था तो मुझे अपने पेट में पा रही क्यों? गोश के लोटर को आसे तुम बख्श की 36 फीट की ऊंचाई से मुझे फेंककर आखिर मुझे मारने की कोशिश माँ आखिर किसने की? क्या माँ तुमने ही मुझे मौत के घाट जानने के लिए इतनी ऊंची ऊंचाई से फेंका? माँ अगर तुमने खुद ही ये काम किया तो मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर दुनिया में आने पर आखिर मैंने क्या गुनाह कर दिया जो तेरी शफ़ाकत से मैं महरूम हो गया? आखिर मेरा गुनाह क्या है, या मेरा गुनाह है भी या नहीं? कहीं ये तुम्हारा तो गुनाह नहीं कि तुमने मुझे अपने जिस्म की गर्मी से महरूम कड़ाटे ठंड में मरने के लिए फेंक दिया? मैं अगर तुम्हें रोग राश क्या ये शर्मिंदगी है तो फिर ये तुमने गुनाह किया ही क्यों? अगर क्या तो इसकी सजा मुझे क्यों दी? माँ जमाने का क्या, वे तो हर हाल में ना खुश होगा, लेकिन माँ तुमने जो मुझे पिलाया ही नहीं, तेरे उस दूध की कसम अगर तुम मुझे अपने कलेजे से दूर नहीं करती तो मैं कभी भी इन लबों पे शिकायत नहीं लाता और कभी भी इन नजायज और रवाली जैसे अल्फाजों की परवाह नहीं करता। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया होती काशीराम आजाद कॉलोनी में। माँ मुझे अपने आप से दूर करते वक्त तेरा दिल भी कांपा होगा, तेरे हाथ भी कांपे होंगे, तुझे उसी ममता का वास्ता। एक बार तू मुझे अपने सीने से लगा ले, मैं कभी भी शिकवा नहीं करूँगा। माँ तुम्हें मालूम है जब मैं तुमसे 36 फीट की दूर हुआ तो काशीराम मैं 20 फीट की ऊंचाई पे स्लैब बना पता जहाँ मैं फंस गया और नीचे बने टॉयलेट के कलर में गिरने से मरने से बच गया। लेकिन इतना ही नहीं, जब मैं से में चोट लगी बेपना रोया जिस पर गैर मोहम्मद खान का रहने वाले एक फरिश्ता जिसका नाम मोहसिन है उसने मेरी जान बचाई। माँ हो सके तो जमाने की परवाह लगे तुम रोटा। माँ मैं तुम्हें किसी बात की परेशानी नहीं होने दूंगा। बहन क्या आया हुआ था, अंदर चाय पी लिया था बेटा, वह तो गजर की आवाज़ आई। जब गजर की आवाज़ आई मैं चाय छोड़ के बाहर निकल के आया। जब बाहर निकल के आया लोग ऊपर भागे, जब लोग ऊपर भागे तो हम भी भागे ऊपर। जब हम ऊपर भागे तो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे सारे, तो बच्चा पड़ा हुआ था वहाँ पे, उस पर सब नहीं देखा वो, तो
तो बच्चा बड़ा हुआ था, कोई अंदर घुस नहीं दिया था, ठीक है। मैं उस मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, उस बच्चों को तरस आ गया देख के, तो मैं अंदर घुस गया, उस बच्चों को निकालने, उस बच्चों को निकाला, लिया वो चादर ढकी उसके ऊपर, उसको मैं निकाल के लिया। बच्चा पड़ा था स्लैब पे, जो गड्ढा जो है नीचे गड्ढा में नहीं था, स्लैब साइड में जो होता स्लैब पे पड़ा हुआ था काफ़ी नीचे। यानी कि बच्चों को गड्ढे में फेंकने की कोशिश की गई है ना? हाँ, किसी ने क्या मालूम किसने फेंका, फेंकने की कोशिश करी होगी, कभी तो गिरा हुआ ऐसे थोड़ी चला जाएगा, किसने फेंका किसने फेंका ही होगा। अच्छा, किस कॉलोनी के नाम से इस कॉलोनी को जाना जाता है? बच्चे की चोटी भी लगी है। अच्छा, ये कॉलोनी किस नाम से जानी जाती है? ये आसरा कॉलोनी, पहाड़ी गेट। आसरा कॉलोनी, आसरा कॉलोनी कौन से ब्लॉक की बात है? 56 और 56 के बीच की, वो 55 और 56 के बीच की, 55 और 56। अच्छा, बच्चा नहीं पता अभी तक किसने फेंका और बच्चा कहाँ से आया? तो हमें मालूम ही नहीं, हम तो घेर गौत मोहम्मद का तीतर वाली पाखड़ पे रहते हैं, चाय पीने हम चाय पीने आए हुए थे, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने बच्चे को निकाल लिया। बहरहाल बच्चा अभी जिंदा है? जी, बच्चा हाँ जिंदा है, हॉस्पिटल में है, लेकिन हम नहीं गए।